सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके YouTube चैनल हनुमान खटोड़ के अंदर आपका पटवारी और कांस्टेबल का सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है, टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे प्रीवियस चैनल में हमारे चल ही रहा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कल के पुराने चैनल में अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आपको पिछली बार आपको समझाया था कि मदरबोर्ड के बारे में आपको समझाया था और इसके अलावा कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स बताए थे। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक शुरू करेंगे। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि मदरबोर्ड के अंदर हमारा जो सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म मैंने कल भी आपको बताई थी, दोबारा दिमाग में आप लोग डालें, फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वापस से सुनिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये कहाँ लगा हुआ रहता है? ये लगा हुआ रहता है मदरबोर्ड के ऊपर, आपको मैंने बताया था रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। बायोस क्या है? बायोस होता है, कल भी मैंने आपको इसी तरह से समझाया था कि पटवारी में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कांस्टेबल पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। सेम उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनेगा बायोस की फुल फॉर्म निम्न में से क्या है, मैंने अभी आपको बताई थी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अगर बन सकता है कि रोम निम्न में से कौन सा भाग है, तो निम्न में से कौन सा भाग है? रोम किसका पार्ट है? फर्मवेयर, मैंने आपको बताया था फर्मवेयर। अब देखिए नेक्स्ट चीज, बायोस क्या है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बायोस एक स्मॉल चिप है। क्या है बायोस? एक स्मॉल चिप। नेक्स्ट चीज, किस काम में आता है बायोस? पूछा जा सकता है कि बायोस निम्न में से किस कार्य यूज आता है, तो आप कहेंगे सीपीयू सेटिंग के लिए। किस काम में आता है? सीपीयू सेटिंग के लिए। क्वेश्चन क्या बनेगा? बायोस निम्न में से किस काम में आता है? चार ऑप्शन आपको देगा, तो आप ऑप्शन में से क्या सेलेक्ट करेंगे? सीपीयू सेटिंग। कहां पाया जाता है पूछा जा सकता है, रैम और रोम के बीच में, मदरबोर्ड और इस मदरबोर्ड और रोम के बीच में, किसी भी तरह से, तो आप बताएंगे बायोस पाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच में। किसके बीच में पाया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच में। नेक्स्ट चीज, बायोस, आप एक बेसिक सी बात आप कभी आपने सोची भी होगी या आपको पता भी होगी कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें डेट और टाइम जो है, जो आपने पहले से फीड कर रखा है, वो सेम डेट और टाइम आपका वहीं शो करता है। कारण क्या रहता है? क्योंकि जो आपकी बायोस है, रोम बायोस जो है, उसके ऊपर एक सेल लगा हुआ रहता है जिसको हम बैटरी सेल कहते हैं, जिसकी असली नाम होता है सीमॉस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीमॉस निम्न में से क्या कार्य करता है, सीमॉस निम्न में से क्या कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि सीमॉस डेट और टाइम को क्या करता है? अरेंज करता है, बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम जो पहले से आपने दे रखी है वो मेंटेन नहीं हो रही है, तो आप समझ जाना कि जरूर सीमॉस मेरा सेल खराब हो गया है। नेक्स्ट चीज देखिए, पूछा जा सकता है निम्न में से सीमॉस की फुल फॉर्म क्या है, तो आप फुल फॉर्म बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, वापस से बोल रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटेलिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कल भी मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड किस प्रकार का है? नॉन कंडक्टर। और ये किस तरह का है? सेमीकंडक्टर। तो वापस से सुनिए, कॉम्प्लीमेंट्री, हिंदी में लिख लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटेलिक, मेटेलिक मतलब धातु, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म बदल बदल के चार ऑप्शन में आपको दे सकते हैं। ये हमारे पॉइंट थे बायोस। टॉपिक था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कल पढ़ा था हमने पिछले चैनल में मदरबोर्ड, सेकंड पॉइंट है बायोस। थर्ड पॉइंट, पोर्ट्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजों से मिलकर कंप्यूटर बना हुआ है,
तो पोर्ट्स कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर आपने मेरा पिछला चैनल देखा है तो आप उसे समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट वन बाय वन डेटा को लेते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था किस में यूज आते हैं, कीबोर्ड और माउस के अंदर यूज आते हैं। पैरेलल पोर्ट आज मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह का है, बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन पैरेलल पोर्ट का एक और नाम है सेंट्रोनिक्स, हिंदी में लिख लेना सेंट्रोनिक्स, इंग्लिश के वर्ड आप देखेंगे तो उससे आपको इजीली पहचान हो जाएगा। तो पोर्ट्स जो सॉकेट आपका लग रहा है, तो सीरियल पोर्ट माउस कीबोर्ड में, पैरेलल पोर्ट कल भी मैंने आपको बताया था स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर। क्वेश्चन क्या बनेगा ये भी कल मैंने आपको बताया था। अब देखिए कि हार्ड डिस्क और सीडी रोम का पोर्ट कौन सा है निम्न में से, क्या पूछा जाएगा। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कहाँ होती है, जहां हमारा सेकेंडरी डेटा जहां स्टोर होता है परमानेंट, वो हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क या सीडी रोम में कौन सा पोर्ट पाया जाता है, तो आप बोलेंगे आईडीई, आईडीई। इसी तरह से एक पोर्ट होता है आजकल जो सबसे ज्यादा पोर्ट चलता है, लगभग सबको पता भी होता है, यूएसबी पोर्ट। ये माउस के लिए भी आजकल यूएसबी पोर्ट चलता है, कीबोर्ड के लिए भी यूएसबी पोर्ट होते हैं। और यूएसबी की फुल फॉर्म आप पुराने कोई भी पेपर कंपटीशन पेपर देखेंगे तो उसमें आपकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में, जैसे आप देख लेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। एक होता है पीएस डिवाइडेड टू, ये पोर्ट आपके जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए इनमें में से कौन सा पोर्ट है, तो आप बता सकते हैं पैरेलल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, आईडी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, पीएस डिवाइडेड टू पोर्ट है। और इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल सिस्टम टू, कहां यूज होता है, माउस और कीबोर्ड के अंदर। अब आते हैं हम, फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था मदरबोर्ड, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा बायोस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा पोर्ट्स, और फोर्थ पॉइंट है बस। बस क्या होता है, देखो कंप्यूटर जब आप खुला हुआ उसका कैबिनेट आप देखेंगे तो उसमें एक साइड आपको दिखेगा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर आपको सॉकेट लगे हुए होंगे, पोर्ट्स लगे होंगे, सॉकेट जिससे वो जुड़ेगा उसके बारे में मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया बेसिक चीजें। बायोस जो उसके पास सेल लगा हुआ होगा, बायोस जो उसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कंट्रोल करता है, इसके अलावा कोई भी डिवाइसेस जब जुड़ती है तो उसके बीच में जरूर कोई ना कोई वायर होता है, और वो कहाँ जाकर जुड़ता है, मदरबोर्ड पे। तो तीन तरह के वायर होते हैं, हम नॉर्मली बोलते हैं वायर लेकिन वो क्या कहलाते हैं, बस। बस कितने तरह के होते हैं, नाम सुनिएगा, पहला एड्रेस बस, डेटा बस, और तीसरा कंट्रोल बस या कमांड बस। वापस से सुनिएगा, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस या कमांड बस। क्वेश्चन क्या बनेगा, वही सेम बात कि निम्न में से बस का प्रकार है, तो आप बोलेंगे एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। अगर क्वेश्चन नॉर्मल आता है कि भाई निम्न में से एड्रेस किसके द्वारा पास होता है, तो एड्रेस बस हो गया, डेटा किससे पास होता है, डेटा बस नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन कमांड किसके द्वारा पास होती है, वो होती है कंट्रोल बस, इसीलिए इसका दूसरा नाम है कमांड बस। क्यों, क्योंकि हार्डवेयर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये बाई डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कमांड मैं भी आपको दे सकता हूं और आप भी मुझे दे सकते हैं, तो उसका मतलब बाई डायरेक्शन, दोनों दिशा में काम करिए, द्विदिशीय, द्विदिशीय बाई डायरेक्शन। जैसे कि पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से बाई डायरेक्शन पोर्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट बाई डायरेक्शनल पोर्ट है, मतलब दोनों दिशा में काम करता है। इसी तरह से कंट्रोल बस का मैंने आपको बताया, एड्रेस बस के बारे में सुनिएगा, किसके बीच में पाई जाती है, सीपीयू और रैम के बीच। एड्रेस बस सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आगे टॉपिक आएगा मैं ढंग से आपको लिखवाएंगे, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आगे आएगा क्या चीज है मेमोरी टाइप में मैं आपको बताऊंगा। तो किसके बीच पाई जाती है, सीपीयू और रैम के बीच। डेटा पाया जाता है मेमोरी और डिवाइसेस के बीच, और ये किस काम में आता है, हार्डवेयर कंट्रोल के लिए काम में आता है। अब देखिएगा हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपसे थोड़ा सा अलग हटके मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका एड्रेस बस 8 बिट की है,
तो आपको रैम जरूरत पड़ेगी 256, 32 बिट की है तो 4 GB की रैम, 64 बिट की है तो 8 GB की रैम आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो जो टॉपिक पढ़े हैं वापस से रिवाइज कराऊंगा, मदरबोर्ड, बायोस, पोर्ट्स और बस, ये हमारे सारे के सारे क्या है। इसी तरीके से इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। देखिए विद्यार्थी, आपके लिए इनपुट डिवाइस को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के ऊपर भी इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा, अगर आपको बेसिक पता है तो छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, कीबोर्ड निम्न में से कौन सी तकनीक पर कार्य करता है, तो आप बोलेंगे QWERTY। वापस से सुने, QWERTY। क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग सीक्वेंस को चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो ज़्यादातर मैं देखता हूँ, अगर पेपर इजी आता है तो कीबोर्ड निम्न में से कितने नंबर ऑफ कीज वाले कीबोर्ड पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं 101, 101, 102, 102, 105 और 110 नॉर्मल कीबोर्ड है कीज वाले। एक बेसिक क्वेश्चन होता है, निम्न में से फंक्शनल की कौन सी है, तो आप लोग बता सकते हैं F1 से लेकर F12, कितनी फंक्शनल की पाई जाती है F1 से F12। इसके अलावा कीबोर्ड के बारे में अगर बात करें तो उसमें की होती है, मैं आपके सामने की बोर्ड आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा आप, इसके अंदर की होती है होम की, HOME, होम, होम की, होम की आपकी लाइन लिखी हुई है, किससे लिखी जाती है, कर्सर से लिखी जाती है, कर्सर धीरे धीरे इसमें लिखता है, जैसे ही आप होम बटन दबाएंगे तो वो कर्सर लाइन के शुरुआत में भेज देगा, आपको उसको एरो की से लाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा होम बटन दबाएंगे सीधा लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। एंड की दबाएंगे, एंड की तो लाइन के अंत में भेज देगा। इसी तरह से एक की होती है इंसर्ट की, INS, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीच में डेटा इंसर्ट करने के लिए, ओवरराइट करने के लिए कौन सी की है, तो आप कौन सी की बताएंगे, इंसर्ट की। ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे, मैं अब आपको बताता हूं कीबोर्ड के रिलेटेड जो ज्यादातर दिमाग में नहीं आते बच्चों के, कि भाई अगर मेरा कर्सर बीच में है और मैं इसके, जैसे मान लो के ऊपर कर्सर है तो के इधर का करेक्टर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, या ई के ऊपर है तो ई के इधर का के डिलीट करना चाहता हूँ, इधर का वाई डिलीट करना, दोनों में से एक करेक्टर, तो अगर मैं कहता हूँ मुझे राइट साइड का करेक्टर डिलीट करना है, किस साइड का, ई के राइट साइड का, तब मैं कौन सी की दबाऊंगा, डिलीट की। क्वेश्चन सुनिएगा, नॉर्मल सी बात है कि डिलीट की से कर्सर के राइट साइड का करेक्टर डिलीट होगा। वापस से देखिएगा, KEY, ई पे अगर कर्सर है तो राइट साइड का करेक्टर क्या हो जाएगा, डिलीट, कौन सी की से, डिलीट की से, और लेफ्ट साइड का किससे डिलीट होगा, बैक स्पेस की से। एक क्वेश्चन बेसिक है कि नेक्स्ट है पेज अप पेज डाउन, नाम से पता लग रहा है पेज अप पेज डाउन। एक होता है टैब की होती है, टैब की मतलब 5 का स्पेस छोड़ती है, अगर पूछा जाए बाई डिफॉल्ट कितना स्पेस छोड़ती है तो 5 का स्पेस कौन छोड़ती है, टैब की। देखिए अच्छा क्वेश्चन क्या था, डिलीट की बैक स्पेस की वाला। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टोगल की है, अच्छा क्वेश्चन है कीबोर्ड को लेके कि टोगल की, कई बच्चों को नहीं पता होता, मैं आपको बता रहा हूं टोगल की, टोगल की जिस बटन से ऑन हो रहा है उसी बटन से ऑफ होगा, सेम बटन से, मतलब कौन कौन सी है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। वापस से सुनिएगा, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, टोगल की ऑन और ऑफ सेम की से, कैप्स लॉक, नम लॉक नंबर की, स्क्रॉल लॉक।
इसी तरह से प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्क्रीन, नाम लिखे प्रिंट स्क्रीन, स्पेस की, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस की। जैसे आप कीबोर्ड देखते हैं तो इसमें देखते हैं ना कि भाई सबसे बड़ी की कौन सी है, स्पेस की, सबसे बड़ा साइज का, एक एक स्पेस देने के लिए, एक एक करेक्टर का स्पेस देने के लिए। कीबोर्ड नॉर्मली आपने देखा होगा दो तरह के कीबोर्ड आते हैं, एक होते हैं जो हम लोग लैपटॉप में यूज करते हैं, एक स्प्रिंग वाले आते हैं, इसके नीचे अगर आप इसको उखाड़ के देखेंगे तो स्प्रिंग लगी होगी, इसको बोलते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के दो टाइप हो गए, मैकेनिकल कीबोर्ड और एक जो हमारे रिमोट के अंदर कीबोर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कीबोर्ड। कैसे कीबोर्ड होते हैं, मैग्नेटिक कीबोर्ड। तो मैकेनिकल और मैग्नेटिक कीबोर्ड के दो टाइप हो गए। ये सेम बात अगर माउस में पूछी जाए कि माउस कितने टाइप के होते हैं, तो मैकेनिकल या बॉल माउस और इसी तरह से ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जिसमें आजकल जो ज्यादा चलते हैं वो कौन से चलते हैं, ऑप्टिकल, जो लेजर लाइट के अनुसार अपने डायरेक्शन को सेट करते हैं। तो सेकंड जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है माउस। अगर पूछा जाए कि जीयूआई डिवाइसेस में शामिल अगर आपको करना हो तो आप किसको शामिल करेंगे, माउस को शामिल करेंगे। पूछा जाए कि निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, वापस से सुन लेगा, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस, तो आप किसको शामिल करेंगे, माउस को। जैसे मैंने कीबोर्ड में नंबर ऑफ बटन बताए थे 101, 102, 105, 110, उसी तरह से बटन माउस में भी हम ज्यादातर जो तीन बटन का देखते हैं, लेकिन 2, 3, 5 और 7 तक, और इसके अलावा और भी 2, 3, 5, 7 जो बेसिक है। इसके अलावा कई जगह ये होगा भी माउस को जोड़ते समय किस टाइप के होते हैं, जोड़ने के अकॉर्डिंग, जैसे आपको मैंने पोर्ट समझाए थे, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, अगर आपको जस्ट पिछले वाला टॉपिक ध्यान हो तो माउस को जोड़ने के हिसाब से सीरियल पोर्ट होता है, पीएस डिवाइडेड टू, मैंने अभी बताया था कि फुल फॉर्म भी आपको यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म लिखवाई थी, और एक होता है वायरलेस, मतलब जिसके अंदर बीच में वायर नहीं लगा होता, वायरलेस का यूज करके वो उसको जोड़ता है। तो मेनली मैंने आज अभी दो डिवाइसेस आपकी ली हैं, कीबोर्ड और माउस, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कि इनपुट डिवाइसेस को जल्द से जल्द हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। और ये एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है, अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही हो तो मैंने आपको शुरू में बताया था पिछले चैनल में भी मेरे, कि मेरा नंबर है 9898281-28420। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हनुमान खटोर नाम से चैनल है। मैं अभी आपको पिछले चैनल में बताया था गंगानगर में पद स्थापित हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप फ्री में कुछ भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित बेसिक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नेट JRF इन कंप्यूटर साइंस, MSc, MCA, MTech सब कर रखा है, ठीक है, ओके, थैंक यू।